अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी टॉप वन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट नावल, एनिमल फॉर्म, अ वर्ल्ड फेमस नावल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द राइटर जॉर्ज ऑरवेल एंड द सम की फैक्ट्स ऑफ द नावल, बट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस about some key facts of the novel and character list of the novel. So let's start. Animal Farm एक novel है, novella है, जिसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। इसके some key facts को हम देखते हैं। इसके title है Animal Farm, a fairy tale, a fairy story. Animal Farm क्या है? एक fairy story है और इसके आथर का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। टाइप ऑफ वर्क अगर इसका देखा जाए, इस एनिमल फॉर्म का ये नोवेला है और ये एक इसका जॉनरा क्या है? एलेगरी है, स्टायर है, बेस्ड ऑन रशियन रेवोल्यूशन 1917 के रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड है और ये पब्लिश हुआ था 17 अगस्त 1945 में। एनिमल फॉर्म इज़ ऑरवेल्स फिफ्थ नावल एंड रिटन इन 10 चैप्टर। एनिमल फॉर्म क्या है? ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का फिफ्थ नावल है और ये 10 चैप्टर्स पर कंसिस्टेड है। और स्टोरी में जो ज़्यादातर करेक्टर्स हैं वो क्या हैं? एनिमल्स हैं, बट ये सारे करेक्टर्स क्या हैं? रशियन रेवोल्यूशन जो 1945 में हुआ था उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं। जब कोई राइटर किसी नावल में एलेगरी और या फेबल लिखता है तो ये उसकी राइटिंग की खूबसूरती होती है, ब्यूटी ऑफ हिज राइटिंग होती है कि वो डायरेक्ट उस करेक्टर को का नाम नहीं लेता, एनिमल का नाम ले लेता है या किसी थिंग का नाम लेता है, मेटाफोरिकली नेम यूज़ करता है और वो तमाम उन करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि रियल स्टोरी में होते हैं। एनिमल फॉर्म में जो जॉर्ज ऑरवेल नावलिस्ट हैं इस नावल के, उन्होंने तमाम करेक्टर्स को सिम्बोलिकली यूज़ किया है। करेक्टर्स, तमाम करेक्टर्स क्या हैं? सिम्बोलिकली हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सारे करेक्टर्स रियल नहीं हैं, रियल करेक्टर्स और थे और जो राइटर था उसने उस नेम कोई और यूज़ किए हैं। अगर देखा जाए तो जो करेक्टर्स हैं फिर उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ह्यूमन करेक्टर्स हैं और फिर एनिमल्स करेक्टर्स हैं। अगर इनको मज़ीद डिवाइड किया जाए तो फिर इनकी क्या फोर टाइप्स बनती हैं, द ह्यूमंस, द पिग्स, द हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स। अगर नावल के तमाम करेक्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाए और इसके अलावा जो है इसकी समरी है वो उसको भी डिटेल से तैयार कर लिया जाए तो आई थिंक सो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं नावल के वो फुली प्रिपेयर हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन करेक्टर्स से। फर्स्ट जो कैटेगरी है, कैटेगरी ह्यूमन करेक्टर्स हैं, उनमें जो है वुमेन करेक्टर्स में फर्स्ट है मिस्टर जॉन्स, फिर है मिस्टर फ्रेडरिक, मिस्टर पिलकिंगटन, मिस्टर वेम्पर। तो जो फर्स्ट करेक्टर है वुमेन करेक्टर, उसको पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। मिस्टर जॉन्स है, ये एक फार्मर हैं। मिस्टर जॉन्स जो हैं ये ऑनर ऑफ द मेनोर फॉर्म हैं और ड्रंकर्ड हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईजर को। मिस्टर फ्रेडरिक है ह्यूमन करेक्टर्स में, क्लेवर पर्सन हैं, जेलस एंड ग्रीडी हैं और नेबर ऑफ एनिमल फॉर्म है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जर्मनी को। थर्ड नंबर पर हैं मिस्टर पिलकिंगटन, ये इनकी जो है हंटिंग एंड फिशिंग हॉबी है और ये नेबर ऑफ मेनोर फॉर्म है। इसके अलावा जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला करेक्टर है मिस्टर वेम्पर, ये लॉयर हैं और बिजनेस मैन हैं और ये करेक्टर तमाम करेक्टर्स के दरमियान रबते का काम करता है। एनिमल करेक्टर्स में फोर पिग्स हैं, ओल्ड मेजर, नेपोलियन, स्क्वेलर और स्नोबॉल। ओल्ड मेजर वाइस है, फिलोसोफर है, गुड स्पीकर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स अपने टाइम का एक सुपर फेमस फिलोसोफर था। नेपोलियन जो है ये भी पिग है और ये लीडर्स है पिग का, डिक्टेटर भी है और रिप्रेजेंट कर रहा है जोसेफ स्टालिन को। थर्ड नंबर पर है स्केलर, स्केलर भी एक पिग है और ये प्रोपीगेंडा मशीनरी ऑफ रशिया प्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
नेपोलियन की जो पॉलिसीज होती हैं उसको भी एक्सप्लेन करता है। स्नोबॉल ये भी पिग है और पिग्स का लीडर भी है, गुड स्पीकर भी है, अपोजिट टू नेपोलियन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉस्टी को। नेक्स्ट जो हॉर्स करेक्टर्स हैं, द हॉर्स करेक्टर्स उनमें जो है बॉक्सर है, क्लॉवर है और मोली है। जो बॉक्सर है वो क्या है, एक कॉर्ड हॉर्स है और ये लॉयल है और ये और इसके टू मोटोज हैं, एक है आई विल वर्क हार्डर एंड नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्किंग क्लास ऑफ रशिया को। क्लॉवर करेक्टर है फीमेल मेयर है और ये कॉर्ड हॉर्स है, बॉक्सर क्लोज फ्रेंड है और पेट्रियोटिक और हार्ड वर्किंग है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्किंग क्लास ऑफ रशिया को। मोली है फीमेल करेक्टर है, फीमेल है और लग्जरी लविंग है और ये भी रिप्रेजेंट कर रही है द वाइट रशियन अपर क्लास को। अदर एनिमल्स में है द डॉग्स है, डॉग्स करेक्टर जो हैं ये नेपोलियन सीक्रेट पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दे आर 9 इन नंबर्स। फिर जो है द शीप हैं ये इनोसेंट हैं और ये जो पिग हैं इनको यूज़ करते हैं और ये ब्लाइंडली उनको फॉलो करती हैं। उसके बाद जो है वो मोरियल है, एक गोट है जो रीड कर सकती है और ये शार्प माइंडेड है। फिर बेंजामिन एक करेक्टर है, डंकी करेक्टर है, वो सिनिकल है अबाउट लाइफ और ये बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर है, ये फिलोसोफर है, ये ज़िंदगी के बारे में अजीब से ख्यालात रखता है, लॉयल एनिमल है, बॉक्सर का क्लोज फ्रेंड भी है और ये रिप्रेजेंट करता है मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी को। पिजन्स हैं, पिजन्स जो हैं इनका क्या काम है, ये न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, न्यूज़ ऑफ रेबेलियन की। मौसी से करेक्टर है, रोमन रिलीजियन लीडर है, चर्च में है इसका जो ज़्यादा